उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पौधा भी भेंट किया। सीएम धामी तथा सीएम शिवराज ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित शौर्य दीवार पर शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। थोड़ा जोर से हमें मार्गदर्शन पहले से ही मिलता रहा है। एक शिष्टाचार भेंट सर आपके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया चार धाम को लेकर, भू कानून को लेकर भी क्या कुछ विचार? अभी हम लोगों ने चार धाम को लिया क्योंकि सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने फैसला लिया सभी के हित में फैसला लिया। आगे जो भी फैसले लेंगे हम उत्तराखंड राज्य के हित में लेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में दिल्ली हाईवे पर सर्वानंद घाट के निकट एक अजगर के आ जाने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हरिद्वार में वैसे तो कई जंगली जानवर आए दिन हाईवे पर देखे जाते हैं, ऐसे में अजगर के आने से रोड पर काफी देर तक जाम लगा रहा। वहीं इस मौके पर लोगों ने अजगर के साथ सेल्फी भी ली। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में CDS विपिन रावत मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। आयोजित दीक्षांत समारोह में PhD और स्नातकोत्तर के 196 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई। इस दौरान PG के 60 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें 51 छात्राएं भी शामिल थी। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध 118 कॉलेज और विश्वविद्यालय के 3 परिसरों के टॉपर छात्र शामिल हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए CDS विपिन रावत ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे जॉब ढूंढने में न लगे बल्कि नौकरी देने वाले बने। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। गर्व का क्षण मेरे लिए इसलिए भी है क्योंकि मुझे एक तो मुझे इतने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं संस्कृत भाषा में, जिस भाषा को सभी भाषाओं की जननी तथा विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम भाषा होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा मेरे लिए आज ये गौरव का क्षण इसलिए भी है क्योंकि मुझे आदरणीय CDS साहब तथा हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा जिनको गणरत्न कहा जाता है, जिनको गणरत्न अवार्ड प्राप्त है, मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हर व्यक्ति जो यहाँ से डिग्री हासिल करके जाता है उसे सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से नहीं निकलना, उसे नौकरी देने का साधन भी बनना चाहिए। अदर देन बिकमिंग जॉब सीकर ऑल्सो ट्राई एंड बिकम यू नो जॉब गिवर्स। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारी जो देश है यहाँ पे MSMEs पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब हमारे जो मंत्रालय हैं कि किस तरह से स्टार्टअप शुरू किए जाएं। और उत्तराखंड में इसके लिए बहुत सुविधाएं हैं, जैसे कि स्टार्टअप में आप टूरिज्म में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडवेंचर टूरिज्म कर सकते हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे CDS विपिन रावत ने नरेंद्र सिंह नेगी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उनको सम्मानित कर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड के लोक गायकों, लोक साहित्य और गढ़वाली बोली का भी सम्मान किया है। गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि ये केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का भी सम्मान है। जो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो ये मानद उपाधि मुझे दी है, मैं सोचता हूँ इसके इससे हमारी भाषा भी सम्मानित हुई है, गढ़वाली भाषा सम्मानित हुई है क्योंकि मैं इसी भाषा में शुरू से लिखता गाता आया हूँ। और ये सम्मान उन सब लिखने वालों का है जो गढ़वाली में लिख रहे हैं और गढ़वाली बोलते हैं, गढ़वाली समझते हैं, उन सब का ये सम्मान है, जो गढ़वाली गाया गाने वालों का सम्मान है। चंबा में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों के आश्रित परिजनों को ताम्रपत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने विकासखंड जाखनीधार और चंबा के 42 शहीद सैनिकों के परिजनों और उनके आश्रितों को ताम्रपत्र और शॉल भेंट की। इस अवसर पर उपस्थित शहीद सैनिकों के परिजनों को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि देश व प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा हर 5वां जवान उत्तराखंड का वीर सपूत है, इसलिए उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की परिकल्पना की गई। देश की सेना का 75% की ड्यूटी हमारा छोटा सा राज्य करता है, हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी एक महीने पहले हमारे 6 जवान शहीद हुए, तो हमने कहा कि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते,
लेकिन शहीद की यादों को जिंदा रखने के लिए आने वाली पीढ़ी से प्रेरणा ले उसके लिए एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं। उसमें हमने संकल्प किया है कि हम इन शहीदों के घरों की पवित्र मिट्टी एक कलश में लेकर हम वहाँ जा रहे हैं और 13 तारीख को उस मिट्टी से उस भूमि का भूमि पूजन होगा और विशाल सैन्य धाम का निर्माण होगा। टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्तियों को लेकर सूचना के अधिकार से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सूचना का अधिकार लगाने वाले संदीप कुमार का कहना है कि तत्कालीन निदेशक जीएस तोमर के समय नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी। इन अवैध नियुक्तियों के खिलाफ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के गैर शिक्षण कर्मचारियों के द्वारा एक महीने से अधिक समय तक धरना भी दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि उम्र समेत तमाम तरह के नियमों को ताक पर रखकर यह काम किया गया, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। प्रभारी जिलाधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि डायरेक्टर के द्वारा इस मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2019 में जो भर्तियां हुई थी उस टाइम जो 3-4 पद निकाले गए थे वहां से, तो उस टाइम बल्कि डायरेक्टर तोमर सर थे और उसमें जो खुलासा हुआ है किसी की डेट ऑफ बर्थ ज्यादा थी या कोई टाइप नहीं जानता था या किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, इस तरह की उन्होंने नियुक्ति की है। जबकि एक हमारे लोगों ने भरवाया था वहाँ पे फॉर्म, उन लोगों को इतना पता तक नहीं चला कि रिजल्ट कब वहाँ आउट हो गया, कब किस दिन वहाँ पेपर हुआ, किस दिन वहाँ टेस्ट हुआ, उन किसी को कोई खबर नहीं जिन लोगों ने और लोगों ने भरी थी। तो नए डायरेक्टर सर हैं वो उस पर जाँच करें, हमने काफ़ी लंबे समय से सूचना का अधिकार में लिया है और निकला भी है, पेपर भी है हम पे, तो उसमें जांच का विषय बनता है और जांच हो जाए। जो ये प्रकरण जब जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया था तो उन्होंने तत्काल जो अपर जिलाधिकारी जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है और उसकी रिपोर्ट अभी आनी अभी अपेक्षित है, जैसे ही वो आती है उस पर कुछ टिप्पणी की जा सकेगी। बागेश्वर के गोंगना पानी में बच्चों के खेलने के मैदान पर एक्सपायरी शराब निस्तारण करने गई आबकारी टीम को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। एक गाड़ी शराब का निस्तारण कर दिया गया लेकिन 4 ट्रक ग्रामीणों ने वापस भेज दिए। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा है कि यदि गांव की आबोहवा को खराब करने की कोशिश की गई तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जेसीबी द्वारा गड्ढा बना के हमने उसमें 2 गाड़ियों का माल लगभग 500 पेटी नष्ट किया, उसके बाद वहां पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया, उसके उन्होंने हमारे विनिष्टीकरण की कार्रवाई को रोक दिया। उसके बाद हमने वहाँ से फिर गाड़ियाँ बैक करके वन विभाग के नर्सरी के पास में गड्ढे बना के वहाँ पर 6 गाड़ियों का माल हमने वहाँ पर नष्ट किया। ये कुल माल 1233 पेटी है जो नष्ट किया गया। ये गोदाम बंद पड़े थे, इनको रिन्यू नहीं कराया गया था इनके कंपनी के मालिकों द्वारा। विश्व एड्स दिवस के मौके पर साई इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल कॉलेज में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग के जरिए लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया और इसके बचाव के तरीके भी बताए गए। प्रतियोगिता में इंस्टीट्यूट के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के दौरान चेयरपर्सन हरीश अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन रानी अरोड़ा, प्रिंसिपल संध्या डोगरा, डायरेक्टर एकेडमिक्स जीबी सेबेस्टियन, लाइब्रेरी ऑफिसर आरके सूद भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का आयोजन दीपिका रावत, नूपुर अरोड़ा, रीतिका डिबरी के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका में प्रिंसिपल नर्सिंग डिपार्टमेंट प्रियंका शर्मा, एचओडी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट डॉक्टर मनीषा झा, एचओडी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट श्रुति अग्रवाल रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की आर्य दीप्ता व अबीला ने प्राप्त किया और द्वितीय स्थान फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की जिगीशा सेन व शिपणा ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सृष्टि व महक के साथ एमएलटी डिपार्टमेंट की गीतांजलि व खुशबू ने प्राप्त किया।